हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर हैशटैग्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, हैशटैग लगाने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि आप में से कई लोग क्या करते हैं, जब भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो इस वीडियो में बिना सोचे समझे ही हैशटैग्स को लगा देते हैं। आपको ये पता नहीं होता कि मुझे हैशटैग्स कहाँ पे लगाने हैं, टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में। आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है तो हैशटैग लगा के इसी टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको हैशटैग लगाने का सही तरीका बताऊँगा कि आपको किस तरह हैशटैग लगाने हैं, कहाँ से सर्च करने हैं, जिससे आपकी वीडियो सर्च में भी आती है और उससे आपकी वीडियो के व्यूज़ बढ़ने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और आपको मैं इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको हैशटैग्स कहाँ लगाने हैं, टाइटल में लगाने हैं या डिस्क्रिप्शन में लगाने हैं। ये और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितने हैशटैग लगाने हैं मिनिमम, और मैक्सिमम आप कितने हैशटैग्स लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं मैंने अपनी एक वीडियो ओपन कर रखी है चैनल की आपको समझाने के लिए। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आपको हैशटैग लगाने कहाँ हैं, टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, मैंने इसमें कोई भी हैशटैग यूज़ नहीं किया है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपनी वीडियोस में टाइटल के अंदर हैशटैग्स का यूज़ ना करें। हैशटैग्स केवल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाने हैं। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितने हैशटैग लगाए हुए हैं इसमें नीचे ले जाके। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 7 हैशटैग यूज़ किए हैं। यूट्यूब चैनल सर्च में कैसे लाएं, यूट्यूब चैनल सर्च लिस्ट, हाउ टू मेक चैनल सर्चेबल, ये मैंने यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपके चैनल में जो आप वीडियो बना रहे हैं वो इंग्लिश में हैं तो आप यहाँ पे हैशटैग हिंदी की जगह हैशटैग इंग्लिश यूज़ करें। मैं अपनी सारी वीडियोज़ हिंदी में बनाता हूँ तो मैंने हैशटैग हिंदी यूज़ किया है। और दूसरा, एक हैशटैग आप अपने चैनल का नाम यूज़ करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो मेरे चैनल का नाम है विकास 31 टेक, मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये 2 हैशटैग आपको ज़रूर अपनी वीडियो के अंदर लगाने हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि हैशटैग लगाने कैसे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ये हैशटैग लगाया हुआ है उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल सर्च में कैसे लाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया है। मतलब आपको हैशटैग लिखना है और उसके जस्ट बाद वो हैशटैग लगाना है उसके अंदर, जो भी आपको लिखना है उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक हैशटैग हो गया, एक हैशटैग और दूसरे हैशटैग्स के बीच में आप स्पेस दे सकते हैं। मतलब आपको हैशटैग्स के अंदर स्पेस नहीं देना, आप एक हैशटैग्स और दूसरे हैशटैग्स के बीच में आपको स्पेस देना है। आप एक हैशटैग्स के अंदर जो भी लिखेंगे उसके बीच में भी आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना, सब एक साथ लिखना है, उसके बाद आपको स्पेस देना है और फिर दूसरा हैशटैग, फिर सब कुछ एक साथ लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल सर्च में कैसे लाएं, आप ये देख सकते हैं मैंने एक साथ लिखा हुआ है, ऐसे मैंने स्पेस दिया, फिर दूसरा हैशटैग लेके ये लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल सर्च लिस्ट। इस तरीके से आपको हैशटैग लगाने हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं कि हैशटैग आपको लगाने कहाँ से हैं, मतलब आपको कहाँ सर्च करने हैं हैशटैग। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना यूट्यूब यूट्यूब की, और अगर आप लैपटॉप से हैं तो आपको नेक्स्ट टैब में अपना youtube.com ओपन कर लेना है। और यहाँ पे ये आपको जो सर्च बार दिख रहा है इसके अंदर आपको लिखना है, जैसे आपकी वीडियो किसी भी टॉपिक पे है, जैसे मेरी ये वीडियो, इसी वीडियो को ले लेता हूँ स्क्रॉल अप करके, यूट्यूब चैनल सर्च करने पर नहीं आ रहा है अपने यूट्यूब चैनल को सर्च में कैसे लाएं, तो इसी टॉपिक को सर्च कर लेते हैं यूट्यूब चैनल
यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको हैशटैग लगाना है, हैशटैग यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल को सर्च में कैसे लाएं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया यूट्यूब चैनल, सर्च लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार हैशटैग शो हो रहे हैं। यूट्यूब चैनल सर्च लिस्ट, सर्च में नहीं आ रहा है, यूट्यूब चैनल सर्च लिस्ट, यूट्यूब चैनल सर्च में कैसे लाएं, यूट्यूब चैनल सर्चेबल। तो आपको ये चारों हैशटैग यहाँ से आपको अपने वीडियो के अंदर लगा देने हैं। मतलब ये वो हैशटैग होते हैं जो यहाँ पे यूट्यूब पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं, वही यहाँ पे शो होते हैं आपको। तो आपको इन हैशटैग्स का यूज़ अपनी वीडियो के अंदर करना है। या आप कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई, जैसे पेटीएम में आपने केवाईसी करना सिखाया कि पेटीएम से केवाईसी कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है, हैशटैग पेटीएम लिखना है। तो आप देख सकते हैं पेटीएम लिखते ही हमारे सामने कितनी सारी चीज़ें आ गई, कितने सारे हैशटैग्स खुल गए, पेटीएम कैश, पेटीएम से पैसे कैसे कमाएं, पेटीएम कैश अर्निंग एप्स, पेटीएम प्रोमो कोड टुडे, ये देख सकते हैं आप काफ़ी सारे आ गए हैं। इसके बाद लिखेंगे पेटीएम केवाईसी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना लिखते ही आ गया, पेटीएम केवाईसी करें, पेटीएम केवाईसी कैसे करें, पेटीएम केवाईसी वेरीफाइड, पेटीएम केवाईसी कंप्लीट, पेटीएम केवाईसी कैसे कंप्लीट करें। ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप यहाँ से इस तरीके से अपने हैशटैग्स को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी नहीं तो यहाँ से देख के आपको वहाँ पे हैशटैग लगा के सेम एज इट इज़ लिख देना है, जो भी यहाँ पे आपको हैशटैग दिखाई दें अपनी टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पे डाल देने हैं। इस तरीके से आप अपनी वीडियो के अंदर हैशटैग्स को लगा सकते हैं प्रॉपरली। यही एक सही तरीका होता है हैशटैग लगाने का अपनी वीडियो में, जिससे आपकी वीडियो सर्च में भी आती है और उससे आपकी वीडियो पे व्यूज़ आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जब आपकी वीडियो सर्च में आएगी और लोगों को आपका थंबनेल अच्छा लगेगा तो वो उस पर क्लिक करेंगे और उससे आपके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज भी होंगे और आपका चैनल भी ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर हैशटैग्स को ऐड कर सकते हैं, ये एक सही तरीका है, इसी तरीके को आपको यूज़ करना है, मैं यही रिकमेंड करता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको पता लग गया होगा कि आप अपनी वीडियोस के अंदर हैशटैग्स को किस तरीके से लगा सकते हैं, कहाँ से उन्हें सर्च करना है और मिनिमम कितने लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।